इनका काम है जहां वो जीते और जहां दंगा ये हिंसा भड़की वहां जाके लोगों में बात करे, काम करे, वो कर नहीं रहे, बल्कि विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन कौन मरे, उनका मजहब क्या था ये बता रहे। तो ये और कांग्रेस, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की सोनिया जी ने, आज राष्ट्रपति के दरवाजे पर पहुंचे और वहां बीजेपी को दोष देने में लगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये दो महीने का आंदोलन केवल नहीं है, यानी आज दो दिन की हिंसा नहीं है, दो महीने से लोगों को उकसाया जा रहा है। 11 दिसंबर को नागरिकता कानून का संशोधन हुआ, 14 दिसंबर को रामलीला में कांग्रेस की रैली हुई, उसमें सोनिया जी ने कहा यह आर पार की लड़ाई है, फैसला लेना पड़ेगा इस पार या उस पार। सोनिया जी खुद कह रही, प्रियंका कह रही है कि लाखों को बंदी बनाया जाएगा, नहीं लड़ेगा वो कायर कहलाएगा। राहुल गांधी ने कहा आप डरो मत, कांग्रेस आपके साथ है। अरे किसकी नागरिकता जा रही थी? किसी की नागरिकता नहीं जानी है ये मालूम होते हुए भी जानबूझकर ऐसी गलत बयानी और डर पैदा करना, ये इसकी पृष्ठभूमि है। उकसाने का काम वहीं से शुरू होगा। और जैसे 1984 में राजीव गांधी ने तब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, मुझे लगता है 2020 की हिंसा का भी आर पार की लड़ाई या इस पार या उस पार का फैसला, ये सोनिया जी के वाक्य उतने ही गंभीर है। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।